भाई ये स्वागत करता हूँ आप सभी का इस वीडियो में। बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कुछ एक्सेप्शनल केसेस के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ चुका है कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ मेटल्स हर एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को फॉलो अप नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम लोग कुछ एक्सेप्शनल केसेस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो बात होता है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। यूजली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब कि वो लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो एक ग्रेफाइट है जो कार्बन का एक एलोट्रॉप है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो कार्बन एटम्स होते हैं उसमें सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करता है और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही आसानी से कंडक्ट करवा सकता है। अब बात करते हैं लस्टरस का। तो यूजली जो मेटल्स होते हैं वो लस्टरस होते हैं और नॉन मेटल्स यूजली नॉन लस्टरस होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नॉन मेटल्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि लस्टरस होते हैं, फॉर एग्जांपल आयोडीन, और इसके साथ साथ जो कार्बन का एलोट्रॉप है डायमंड वो भी लस्टरस होता है। फिर बात करते हैं हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस के बारे में। तो यूजली जो मेटल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं और नॉन मेटल्स काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि काफ़ी सॉफ्ट होता है, जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम। फिर बात करते हैं सॉफ्टनेस का। तो यूजली कुछ ऐसे नॉन मेटल्स भी जो कि काफ़ी हार्ड होते हैं, जैसे डायमंड। अब बात करते हैं फिजिकल स्टेट के बारे में। तो यूजली जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मरकरी और गैलियम एक्सेप्शनल मेटल्स है जो कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अब बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का। तो यूजली जो मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स है जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, सीजियम, ये लोग का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, एटमोस्ट लगभग रूम टेम्परेचर के आसपास ये लोग का मेल्टिंग पॉइंट रहता है। उसी तरह डायमंड जो कि एक नॉन मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एटम्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए जो डायमंड है वो काफ़ी ज़्यादा इसके पास मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब बात करते हैं डेंसिटी के बारे में। तो यूजली मेटल्स का डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि मेटल्स काफ़ी ज़्यादा रिजिड होते हैं, लेकिन कुछ सॉफ्ट मेटल्स हैं जिनका डेंसिटी काफ़ी कम होता है, और नॉन मेटल्स का तो डेंसिटी ऑलरेडी कम होता है। बेसिकली आज के लिए गाइस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी अच्छी लगी हो तो कृपया अगर लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल पर हर एक वीडियोज़ को चेक कर लीजिए। धन्यवाद।